जय माँ भवानी। वैसे इस मूवी के बारे में मैंने पहले भी सुन रखा था कि यह एक बुरी मूवी है जिसके अंदर हमारे जो सनातन धर्म के जो महान पात्र है उनका मजाक उड़ाया गया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो देख लेते एक इंसान कितनी बुरी मूवी बना सकता है, कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा होगा। और आज जब मैंने उस मूवी को देखा तो भाई साहब वो मूवी बुरी मूवी नहीं है, वह बहुत बुरी मूवी है। यार कोई इंसान इतनी खराब कैसे मूवी बना सकता है? यार जिसने भी इस मूवी को लिखा होगा, इसका निर्देशन किया होगा, यार उन्होंने कुछ गांजा वांजा पी रखा था या कोई और सस्ता नशा करके रखा था। इस मूवी में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चार पांच कैरेक्टर्स जो मेन मेन है, जिसमें राम जी का भी रोल किया गया है, सीता जी, लक्ष्मण जी, एक रावण और उसके पुत्र और भाई विभीषण करके दो चार कैरेक्टर, बस यही है मूवी के अंदर। आप सोच रहे हो रामायण बनी है, बहुत भव्य दरबार होगा, बड़े बड़े सेट्स होंगे, मंत्रीगण बैठे हुए पंगत में दिखेंगे, कुछ नहीं है। रावण की इतनी बड़ी लंका जो वैसे सोने की होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर इतनी इतनी ऐसे पट्टियां लगी सोने की, है सोना कम पड़ गया, रोकी भाई लेके चले गए केजीएफ वाले। उस काली कलूटी लंका उसके अंदर अकेला रावण खड़ा है, रावण एक हथौड़ी से कूट रहा है लोहे को। यार रावण बहुत बुरा था, लेकिन ये काम थोड़े करता था रावण। उसके जो भाई है, उसके जो बेटे है, उनकी ऐसे जेल लगाई हुई, हेयर स्टाइल की हुई है। यार ऐसे ये कैरेक्टर डिजाइन किए। हनुमान जी है जो अजीब ही नजर आ रहे, डायलॉग्स बोल रहे उल्टे पुल्टे, तेरे बाप की जलेगी, ये हनुमान जी के मुख से डायलॉग। जो रामायण हमने पढ़ी है, जो रामायण हमने टीवी या सीरियल्स में रामानंद जी सागर द्वारा या अन्य कहीं से देखी है, तो वो जो हमारा जो व्यू था वो सारा बदल दिया गया इसमें। इसकी स्टोरी कुछ और ही बना दी गई है, कुछ नया ही कुछ। इस मूवी में कई सारे दृश्यों को बदल दिया गया है। वैसे आपने रामायण तो देखी होगी, रामायण ना देखी होगी तो रामलीला तो देखी होगी जो आपके गांव गांव में हर जगह होती है, तो वहां आपको एक चीज पता होगी, जब हनुमान जी माता सीता से पहली बार मिलने जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले रावण का जो पुत्र था अक्षय कुमार नाम से वो मिलता है, और हनुमान जी की लड़ाई उससे होती है और हनुमान जी उसे मार देते हैं। लेकिन तुम्हें पता है इस फिल्म में हनुमान जी से सबसे पहले कौन मिलता है? धाकड़ासुर। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूं, अरे ये सच में जो सामने से मिला उसने बताया कि मैं धाकड़ासुर हूं। मुझे भी हंसी आई थी ये नाम सुन के। और पता है धाकड़ासुर ने हनुमान जी से क्या कहा कि आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा, और हनुमान जी ने वापस कहा नहीं आज मैं धाकड़े को धोऊंगा। ये डायलॉग है, ये होते हैं डायलॉग। एक आप रामायण बना रहे हो जिसे सुनकर हमारा यूथ कुछ सीखे। अब जब चारों ओर ऐसी बातें उठने लगी है तो इस मूवी से जुड़े हुए लोग सामने आ रहे हैं और अपने तर्क रख रहे हैं, जिनके अंदर मनोज मुंतशिर जी का भी नाम है जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। जब ये सामने आए और बोले कि हमने आज के हिसाब से डायलॉग लिखे है ताकि लोगों को ज्यादा कनेक्ट कर पाए, अरे हमें नहीं सुनना है, हमें इस तरीके के डायलॉग नहीं सुनने हैं। जब हम रामानंद सागर जी की रामायण के वो बहुत ही उच्च स्तर की हिंदी के डायलॉग हम समझ सकते हैं तो हम यहाँ भी समझ लेंगे, आप वही लिखिए। लेकिन आपने तो टपोरी भाषा लिख दी है, छपरिया वाले डायलॉग बोल। जब आपका नाम इससे जुड़ा हुआ था तो हमने सोचा था कि चलो मूवी के ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ छोड़ दो, उस सबको एक साइड रखते है। हम ये सोचा था हमने कि उसके डायलॉग उसकी स्टोरी इतनी अच्छी होगी क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए और आपने ये सब चीजें लिखी, यकीन नहीं हो रहा है हमें। मनोज मुंतशिर जी कहते हैं कि आप लोगों के अंदर रावण के प्रति प्रेम बढ़ गया है क्योंकि ये जो डायलॉग है जलेगी तेरे बाप की, ये सारे रावण के लिए कहे गए हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अरे हमें रावण के लिए बुरा नहीं लग रहा, आप रावण को कुछ भी बोलिए, लेकिन ये डायलॉग आप जिसके मुंह से बुलवा रहे हैं वो हनुमान जी है, आप उनके मुंह से ऐसे डायलॉग कैसे बुलवा सकते हैं? यार आप लोगों को 600 करोड़ रुपए दिए गए थे और आप उस मूवी को देखना आपको लगेगा ही नहीं इसके अंदर 600 करोड़ रुपए लगे। यार चार पांच आदमी इधर से उधर भाग रहे और सारे सेट्स है ना जितना कुछ बनाया सब CGI है, सब कुछ चारों ओर ग्रीन स्क्रीन लगा के उन हीरो जो खुद कैरेक्टर है उसे फील ही नहीं आ रहा है। अगर कोई एक राजमहल के अंदर बैठा है तो उसे ऐसे राजा जैसा फील आना चाहिए ना, वो है ही नहीं राजमहल के अंदर, वो ऐसे कहीं भी किसी टेबल पे कुर्सी पे बैठ गया, चारों CGI है और उसे कहा कि ऐसा फील कर कि चारों ओर तेरे राज दरबार है, तो वो क्या फील करेगा? कुछ नहीं फील करेगा। पूरा अकेले 5-6 लोग है पूरी मूवी में, बाकी सब कार्टून बनाए हुए है, कोई बंदर इधर से उधर भाग रहे सारे के सारे। मतलब यार ऐसे तो हमारे जो आजकल के छोटे वाले बच्चे एडिटिंग कर लेते, ऐसी एडिटिंग की आप लोगों ने? 600 करोड़ रुपए मिले थे आपको,
ये इतना अच्छा और बड़ा मौका था, आप एक ऐसी मूवी बना सकते थे कि आने वाले टाइम में आपको याद किया जाता, कोई दूसरा ऐसी मूवी बनाने के लिए सपने देखता कि काश इससे भी अच्छी और बड़ी मूवी में बना सकता। पर आपने 600 करोड़ में ये किया, ये सच में कास्टिंग देखी आपकी, प्रभास किस एंगल से भगवान श्री राम लगते हैं, भगवान श्री राम का चेहरा सौम्यता से भरा हुआ, उन्हें देखकर हमारे मन में ये फील आता है उनके चरणों में गिर जाए, उनके हृदय से लग जाए। प्रभास को देख के ऐसा नहीं लगता है, उसे आप रावण बना देते अच्छा सेट होता, यार राम कहां से वो दिख रहा है। तो मेरा कहना बस इतना है कि जब आपके पास इतना अच्छा मौका था, आप एक राष्ट्रवादी हो, आपको ये मौका मिला था, तो आप एक ऐसी रामायण सामने रखते कि अब यार क्या बताएं। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि हमारा यूथ ये चीजें देखेगा फिर वो क्या सीखेगा, क्योंकि यूथ पढ़ता तो है नहीं, बस मूवी और सोशल मीडिया में जो बताया जाता है उसे सच मान लेता है। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद।